दिक्का हमारा ये भारी है, पूरे हैदराबाद से भारी दिक्का है। रेट वही है जो पूरे हैदराबाद में मिल रहा है, लेकिन उससे डबल दिक्का है ये। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि हम ट्राई करने के लिए आए हैं स्ट्रीट फूड का बारबेक्यू, और वो बारबेक्यू जो कि तकरीबन 40 से 45 साल पुराना है और इनकी लेगेसी बहुत पुरानी है और टेस्ट का इनका मैंने बहुत ज़्यादा सुना था। और इन्होंने मुझे फिर इन्वाइट किया और कहा कि भाई आके ज़रा टेस्ट करो, हमारा जो बारबेक्यू है वो अच्छे अच्छे जो ब्रांड है उनको बिल्कुल टक्कर दे सकता है। तो मैंने कहा चलें भाई चलते हैं। 40 साल हो तकरीबन हमारे में बनाते हुए, भारी होता है पूरे हैदराबाद में देख लो, कराची में देख लो, कहीं देख लो, इससे भारी होता है दिक्कत। ट्रेन पूरे हैदराबाद से अच्छा जाएगा, पूरे कराची से भी अच्छा जाएगा, लोग आते हैं दूर दूर से, कासम बाग तक से आते हैं लोग यहाँ पर खाने के लिए। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, मुझे तकरीबन 35 साल हो गए यहाँ पर आते हैं और खाते हैं, वही टेस्ट है इनका बरकरार, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। भैया आप देख सकते हैं ज़रा सब चीज़ें दिखाएँ ज़रा कि क्या क्या हमारे पास आई है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ज़रा इधर करें कैमरा इधर करें, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो गर्दन हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी यहाँ पर भी आपको गर्दन मिलेगी। और देखिए ज़रा ये टिक्का इन्होंने हमें दिया है, ये वो टिक्का है जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि भाई इससे बड़ा टिक्का पूरे हैदराबाद के अंदर आपको नहीं मिलेगा इस प्राइस रेंज के अंदर, जो कि फुल टिक्का कहलाता है। और उसके बाद है इनका जो लेग पीस वाला है वो टिक्का, तो बड़ा टेस्टी लग रहा है शक्ल से, बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है। अब इसको ट्राई करते हैं, फर्स्ट बाइट लेने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि लेग पीस, जैसे कि आपको पता है कि मेरा फेवरेट है, तो इसको ये देख सकते हैं। अच्छा ये जूसी बहुत ज़्यादा है ये टिक्का, आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाएं, जूम करो भाई थोड़ा सा, ये बहुत ही ज़्यादा जूसी है। अब इसका फर्स्ट बाइट लेकर कमेंट कि भाई आप जो ना फर्स्ट बाइट जो लिया करें ना वो लिया करें बिना चटनी के और बिना रायते के, अभी मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली मुझे इनका जो टिक्का है ना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा, लेकिन फर्स्ट बाइट में ना जो टेस्ट जो इन्होंने कहा है ना कि हमारा टेस्ट है वो वाकई बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है। और जो इसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ है ना बेहतरीन किस्म का है भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। हमारा तकरीबन 40-45 साल से लग रहा है, हमारे ताया और वाली साहब लगाया करते हैं इसको, तकरीबन 40-45 साल हो गए इस चेकअप को लगाते हुए, और माशाल्लाह से 40-45 साल में जब बारबेक्यू को जानता भी था जब से ठिया लग रहा है माशाल्लाह। और माशाल्लाह से गाहक अभी तक वही आते हैं, चल पाए जो पहले बच्चों गोदों में आया करते थे ना, बताते हैं वो खुद कि हम अपने वाले साहब की गोदों में आया करते थे, आज हम अपने बच्चे लेकर आ रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आप आएंगे जाके, मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हमारे पास, और हमारे खुद के अपने जायके होते हैं, कोई ना शाशा यूज़ करते हैं हम और ना कोई नेट से उठा के ये वो नहीं चलता, उससे हम नेट का दौर भी ना जब से मसाले बनते हैं हमारे अपने जायके ही माशाल्लाह। वैसे तो स्ट्रीट फूड पर इतना अच्छा टेस्ट होता नहीं है जितना भाई ने अभी बताया कि बहुत अच्छा है, तो आगे चेक करते हैं। बाकी स्पाइसी बहुत है और ये स्पाइसी इसी वजह से इतना टेस्टी लग रहा है, तो बहुत टेस्टी है इनका ये चेस टेस्टी है। और अब मैं लेने वाला हूँ बाइट इसके रायते से लगा के, और देखें जरा रायते के बाद इसमें क्या जो चीज़ है वो निकल कर आती है। रायता थोड़ा सा हल्का है लेकिन भाई टिक्के ने एंड कर दिया, बस मसाला मतलब बहुत ही कोई जो है ना बेहतरीन किस्म का लगा हुआ है, और टेस्ट जो डेवलप हो रहा है ना उसके तो मतलब मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकता। स्ट्रीट फूड के अंदर इतना भी जायका होता है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स लेके बैठे हैं दुकानों के अंदर, शॉप्स के अंदर बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल के बैठे हैं, उनको बीट कर सकते हैं, ऐसा टेस्ट है इनके टिक्के का। अच्छा भाई आज हमारे साथ मौजूद है टिकटॉक पर बड़े फेमस है अहमद शाह, जो हमारी फील्ड के मतलब फूड व्लॉगिंग करते हैं, तो जब भी हम अक्सर कहीं मिलते हैं ना मतलब कहीं व्लॉग बनाना चाहते हैं तो 3-4 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि हम वहाँ से मिल चुके हैं, मतलब एक दूसरे को बता के नहीं मिल जाते। भाई यहाँ का भी आप ट्राई करने वाले, थोड़ा आपने किया भी है, जरा बताओ कैसा है टेस्ट। अच्छा मुझे तो तकरीबन समझे कि बारबेक्यू आइटम है ना हैदराबाद में काफ़ी जगह ट्राई किया, बिल्कुल अच्छा काफ़ी जगह ऐसा होता है स्पाइसी नहीं होता, लेकिन जब ये खाया ना ये तो ये स्पाइसी है और ऐसा लगा था कि थोड़ा हिला दिया, मतलब लग नहीं रहा था सर टेस्ट होगा ऐसा है, मतलब मैं आपको बता रहा हूं ठेला देख के ना ऐसा टेस्ट जाता नहीं है। तो जो नॉर्मल बंदे बोलेंगे अभी यार पता नहीं ऐसा टेस्ट होगा नहीं होगा जगह पे, लेकिन आपको बिल्कुल लिटरली बता रहा हूं, जब यहां पे आके इनका टिक्का ट्राई करेंगे ना आप अपने जो आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज कर देंगे, बिल्कुल ऐसा टेस्ट टिक्का है हमारे यहां पे, कोलैबोरेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अच्छा हां भाई ये कॉन्सेप्ट अच्छा है भाई, कोलैबोरेशन तो हमें सबके साथ करनी चाहिए जो भी अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा है भाई। हैदराबाद ने पहले ही बहुत ज़्यादा वो थी ब्लॉगर्स, और जो थोड़े बहुत है ना वो भी आपस में मतलब मिलते नहीं है और कोई मतलब वो नहीं करते आपस में कोलैबोरेशन, तो वो होनी चाहिए क्योंकि ये अच्छा एक पॉइंट है, एक दूसरे के व्यूअर भी शेयर होंगे। जी जी, तो जो इनका जो स्टॉल है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा जिसका नाम है शाह बारबेक्यू के नाम से, और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा मजे का है, खासतौर पर जो इनका लेग पीस है, और मैं इतना हाईली रेट बहुत कम चीज़ों को करता हूँ लेकिन इसको मैं करूँ 9 out of 10, जो बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि इसलिए क्योंकि मैंने वाकई बहुत ज़्यादा मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी इससे कि इतना अच्छा टेस्ट होगा, मगर है और यहाँ पे मुझे नहीं पता यहाँ पे क्यों बैठे हैं, इनको तो मेन रोड पे कहीं होना चाहिए था ताकि लोगों को पता चले भाई ऐसा टेस्ट यहाँ पे मौजूद है। तो खैर चलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्राइस मैं आपको समझा देता हूँ, जो इनका लेग पीस है वो आपको मिलेगा 300 का, और जो इनका चेस्ट पीस है जो कि क्वांटिटी के हिसाब से ज़्यादा है इनके मुताबिक, ये पूरे हैदराबाद में कोई भी नहीं दे रहा, वो आपको मिलेगा 430 का। तो
मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। फेसबुक पे देख, यूट्यूब का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भाई को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो।